के चाडूरा बड़गाम से जो वीडियो वायरल हुआ, जिस जेसीबी पे, जिस बुलडोजर पे एक 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 खातून थी, वो कौन थी? वो कोई किसी मिनिस्टर की कोई रिश्तेदार थी? वो किसी मिनिस्टर घर से ताल्लुक रहती वो खातून? नहीं, वो आम घर से थी और वो उस बुलडोजर पे चढ़ के कह रही थी कि मेरा दीवार ना तोड़ो, मेरे दुकान का ना तोड़ो, दुकान को ना तोड़ो। दुकान तोड़ना कोई बड़ी बात है? एक दुकान तोड़ रहे आप किसी कहीं जगह पे, तो आप मान रहे हैं कि आपने हम आप बड़ा कार्य किया, बड़ा काम किया? क्या, कौन सा काम किया आपने? आपने एक गरीब का अशाना ख़त्म किया, आपने गरीब को सताया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है गरीबों पे रहम कर रहे हैं, आप गरीबों पे जुल्म कर रहे हैं, आप यहाँ जम्मू कश्मीर के आम लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। मैं कहता हूँ सर, मुझे बताइए आपने कौन से बड़े मंत्री, जो आपके बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री हैं यहाँ पे, किससे आपने निकाले, किससे ज़मीन निकाली आपने? कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्री हैं, किससे निकाले आपने? जो और भी पार्टीज़ के बड़े बड़े मंत्री हैं, किन से निकाली आपने ज़मीन? कुछ DIP में भी चले गए होंगे। अगर DIP में किसी का, हाँ, ताज मुहिद्दीन साहब ने खुले डंके के चोर पे कल कहा अगर एक मरला मेरा घास चराई का होगा तो मैं सियासत नहीं करूंगा, इससे बड़ा क्या क्या चाहिए? कौन सा लैंड? हाँ, वो उन्होंने कहा कि अगर एक मरला स्टेट लैंड मेरे पास होगा तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, मैं सियासत नहीं करूँगा। तो ये हमारे लीडर की क्रेडिबिलिटी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में हमें एक लीडरशिप की ज़रूरत है, लीडर्स की ज़रूरत है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, लोग चाहते हैं कि आम लोगों की सरकार हो, लोग चाहते हैं कि गरीबों के लिए कोई बात करे, लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जहां पे अमन हो, भाईचारा हो, जहां पे रोज़गार हो, जहां पे ये जो महंगाई ना हो, जहां पे उनके मुद्दे सुने जाए, जहां पे उनको सुना जाए। मैं उनसे एक ही गुजारिश करना चाहूँगा, इसमें एक ही लीडर सिर्फ खड़ा उतरते हैं, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब है, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में काम किया है, जो कि इंटरनेशनल लीडर है, नेशनल लीडर है, जो कि खत चुनाव में भी जिनको लोग एक्सेप्ट करते हैं, जम्मू में भी एक्सेप्ट करते हैं, कश्मीर में भी एक्सेप्ट करते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर फिरदौस नबी साहब, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से बिलोंग करते हैं और पूरे JNK की जिम्मेवारी है इनके पास, पूरा ये स्पोक्स पर्सन है DAP के। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। थैंक यू सो मच। फिरदौस भाई, अगर बात करें हम, सबसे पहले शुरुआत अगर हम करेंगे भारत जोड़ो यात्रा, और भारत जोड़ो यात्रा इसलिए भी सवाल आपसे रहेगा क्योंकि आप भी किसी समय कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं, आज़ाद साहब भी कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर में टकराव किसी विभिन्न पार्टियों का हो रहा है तो कांग्रेस और DAP का हो रहा है, कैसे देखते हैं इस भारत जोड़ो यात्रा को और कितना असर डाल पाएगी कांग्रेस अपना जम्मू कश्मीर की आवाम पे? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। ये जो भारत जोड़ो यात्रा कह रहे हैं, ये असल में कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। कांग्रेस जोड़ो यात्रा इन्होंने शुरू की थी कन्याकुमारी से, सही बात है, लेकिन इसका जनाजा निकल रहा है इस इधर जम्मू कश्मीर में, क्योंकि इसमें मसला ये है कि अगर आप आज भी देखें, आज भी वो लॉबिज्म मौजूद है, कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, तो वही मसला आज भी है इनके बीच। आज भी ये जितने बचे खुचे लीडर्स हैं, अपने आप को लीडर्स कह रहे हैं, इनके पीछे तो 100 लोग भी जमा नहीं होते हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स कहते हैं अपने आप को कांग्रेस में। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप जानते हैं विकार सुलवानी तो लीडर में है ही नहीं, वो तो लीडर है ही नहीं, प्रेसिडेंट बनाए उनको, क्या प्रेसिडेंट बनाने से क्या होता है, वो लीडर है ही नहीं, क्योंकि लीडर वो होता है जिसकी एक क्रेडिबिलिटी होती है समाज में। मेरे बड़गाम से पूछोगे किसी को विकार उसूल, वो जानते ही नहीं उसको। हाँ, गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात करें, उसको पूरी हिंदुस्तान जानती है, इंटरनेशनल लीडर है, नेशनल लीडर है वो, कांग्रेस छोड़ चुके हैं ना अब तो, विकार उसूल वानी को भी कांग्रेस, मैं वही कह रहा हूँ लीडर उसको कहते हैं। हाँ, फारूक अब्दुल्ला साहब को चाहे मैं मानूँ या ना मानूँ, लेकिन लीडर है जम्मू कश्मीर में, महबूबा मुफ्ती लीडर है, ऐसे बड़े बड़े नाम जो है लीडर्स हैं ये, लेकिन विकार उसूल है कौन? ये तो ये इसको बनाया गया, आप किस तरीके से बनाया, क्यों बनाया उन्होंने, वो यही जाने कांग्रेस जाने, लेकिन विकार उसूल को मौका नहीं मिलना चाहिए था? नहीं, मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए उसको, वो MLA लेवल तक ठीक था, वो जब तक वो प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं है, नहीं उसकी काबिलियत नहीं है, सलाहियत नहीं होती ना। आप उसमें थे तब तो नहीं बोलते थे? नहीं, मैं उसके खिलाफ़ क्यों बोलूँ, तब कुछ था ही नहीं, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो अगर मैं उस वक्त बोलता, अगर वो कोई कुछ होता तो मैं उसके खिलाफ़ ज़रूर बोलता, लेकिन वो था ही नहीं कुछ उस वक्त, वो जैसे कांग्रेस में एक सदस्य था, मैं भी एक सदस्य था। अब भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर होगा JNK पे? कुछ नहीं होगा, यहाँ जनाजा निकल गया, क्योंकि मसला ये है कि इनको कांग्रेस में आपस में फूट है,
आज अब अगर आप लेटेस्ट आज की न्यूज़ देखें तो जो गुलाम अहमद मीर साहब के जो फर्जंद है उन्होंने कहा कि हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, ये जो पीरजादा मोहम्मद सईद को हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कांग्रेस में नहीं नहीं पीरजादा मोहम्मद सईद को, तो उसको हम XMLA जो है ना, XMLA रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं वो, तो उसको वे कह रहे हैं कि हमने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो मेरा ये कहना है, देखिए हम ये नहीं कह रहे कोई चीज़ गलत है, वो जो कर रहे हैं ठीक है अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसका असर जम्मू कश्मीर में नहीं पड़ना, क्योंकि जम्मू कश्मीर अलग चीज़ है। जहाँ पे राहुल गांधी जी हाफ टी शर्ट लगाते थे हिंदुस्तान में, लेकिन यहाँ शर्ट बदलनी पड़ी, यहाँ पे जॉकेट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस होता है जम्मू कश्मीर में। इसलिए जो हिंदुस्तान में सियासत चलती है वो जम्मू कश्मीर में नहीं चलती है। जम्मू कश्मीर का कुछ अलग नैरेटिव है, जम्मू कश्मीर की अलग सोच है, यहाँ पे लोगों की सोच बहुत मुख्तलिफ, हर एक घर में लीडर है, ऐसी सोच रखते हैं यहाँ पे लोग, तो लोगों को पता है। मैं तो जुड़ रहे हैं, कहाँ जुड़ रहे हैं, ये पूरे जम्मू कश्मीर, जम्मू को मिला के 100 लोग 200 लोग इकट्ठा कर पा रहे हैं, ये इसको कह रहे हैं आप लोग जुड़ रहे हैं? तो मैं, मुझे नहीं लगता लोग NC कांग्रेस PDP सारे लोग तो हैं भारत जोड़ो यात्रा में, और अलग अलग सोशल एक्टिविस्ट वो भी जुड़ रहे हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ कि फारूक अब्दुल्ला साहब जो है ना वो जुड़े इसके साथ, उन्होंने स्वागत किया, मैं लाल सिंह ने सबसे पहले कठुआ में उनका वेलकम किया लखनपुर में। मैं पहले फारूक अब्दुल्ला की बात करूं, फारूक अब्दुल्ला साहब जुड़े इसके साथ, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मसला ये है कि आप देखें हिंदुस्तान में, अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव आप देखें, केजरीवाल को देखें, आप ममता बनर्जी को देखें, आप असदुद्दीन ओवैसी को देखें, कोई भी इनके साथ नहीं जुड़ा, कि बड़े लीडर्स हैं वो नहीं जुड़े इनके साथ। हाँ फारूक अब्दुल्ला साहब का अपना एक नैरेटिव है, वो इस वक्त कांग्रेस को कह रहे कि मैं कांग्रेस को वेलकम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ अलग ही अंदरूनी बात कुछ अलग ही है वो, मुझे वेलकम कोई नहीं कर रहा, वो भारत जोड़ो यात्रा को वेलकम कर रहे हैं सारे। अच्छा अगर भारत जोड़ो यात्रा को आप कह रहे हैं कि वो वेलकम कर रहे हैं, मुझे आप बताइए कि जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो पोजिशन है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त? हमें ज़रूरत है जो जहाँ के मसले हैं, जो यहाँ के इश्यूज़ हैं असल में, उनको उठाने की ज़रूरत है। वही तो सुनने के लिए आए हैं राहुल गांधी, क्या कर रहे हैं उसमें, वो कुछ सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या उन्होंने किया उसके लिए, क्या किया आज तक उन्होंने कांग्रेस ने हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, क्या किया मुझे आप ये बताइए। दफा 370 को पहले ही ख़त्म किया कांग्रेस में आप रहे हो, बताऊँगा मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। मैं सोच रहा था शायद बदलाव आएगा, जिस वजह से मैं भी कांग्रेस में एक बार जुड़ा था, मुझे लगा था कि ये यहाँ पे नौजवानों को, अच्छे लोगों को, साफ़ सुथरे लोगों को मौका देंगे, यहाँ पे नए चेहरे आएंगे कांग्रेस में, पढ़े लिखे लोग आएंगे, उसको ये कांग्रेस को कांग्रेस से तब्दीली होगी फिर जम्मू कश्मीर में, लेकिन वही घिसा पिटा कांग्रेस, वही जो चेहरे आप देख रहे हैं वही है, उसमें भी बहुत सारे लोग भाग गए। आप देखिए गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ इस वक्त ताज मुहिद्दीन थे, वो भी कांग्रेस में थे, मजीद वानी साहब थे वो भी कांग्रेस में थे, गुलजार वानी थे वो भी कांग्रेस में थे, हाजी अब्दुर्रशीद साहब थे वो भी कांग्रेस में थे, तो जुगल किशोर शर्मा वो भी जो है कांग्रेस में थे, मनोहर लाल वो भी कांग्रेस में थे, ऐसे बड़े जो नेता थे वो कांग्रेस में थे, वो वहाँ से निकल गए और गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ इस वक्त जुड़े हुए। तोड़ के आपने DAP बना दिया। हमने तोड़ के नहीं, उन्होंने खुद को तोड़ दिया है, कांग्रेस ने खुद अपने आप को कमज़ोर किया है। जब लोग ही नहीं जुड़ना चाहते, जब लोग ही नहीं कांग्रेस के साथ, तो लीडर्स भी नहीं है। पहले आप मनोहर लाल शर्मा जो पूर्व में मंत्री रहे हुए हैं, इतने बड़े नेता हैं, उनको आप पहले बाहर निकालते हो फिर अंदर लाते हो, मतलब ये क्या? नहीं हमने उनको बाहर निकाला, एक्चुअली वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। नेताओं को आपने बाहर निकाला था, पूरी दुनिया जानती है। हाँ हाँ वो मैं मानता हूँ वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो फिर बाद में क्लियर हो गई। मनोहर लाल शर्मा एक माने जाने लीडर है और उनकी एक क्रेडिबिलिटी है, वो समाज में है इस वक्त, और उसको चांसेस भी है बड़े, क्योंकि उसको लोग मानते हैं, उनको हमने वापस लिया। हाँ तारा चंद जी है वो, उनको उनकी भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन उनकी सीट जो रिजर्व हो चुकी है वो, मतलब उनका आप देखिए इस वक्त वो जब कांग्रेस में चले गए तो वहाँ पे क्या उनका क्या अब क्या क्रेडिबिलिटी है उनकी वहाँ पे? पीरजादा मोहम्मद सईद गए वहाँ पे तो अब उनके मीर साहब के बेटे कह रहे हैं कि हम उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या क्रेडिबिलिटी है फिर? वो तो विकास सुलवानी कहेंगे ना उनको एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। पहले तो जो उनके नेता है, मीर साहब तो एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं ना, उनकी एक से है कांग्रेस में, उनके ही फर्जंद कह रहे हैं कि हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कांग्रेस में,
तो आप देखें कि क्या क्रेडिबिलिटी है, आप ये समझ सकते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट रामबन से ना एक आपके नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अल्लाह भी गुलाम नबी आज़ाद के साथ में है, और विकार रसूल को जो है वो काफ़ी तनकीद कर रहे हैं कि देखो रास्ता बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप मतलब आप आज़ाद साहब के ख़िलाफ़ जो हैं गालियाँ दे रहे थे, इस तरह का कह रहे थे, तो अल्लाह ने भी आपको दिखा दिया, मतलब ये कौन सी राजनीति है? देखिए वो उनका पर्सनल कुछ जो उन्होंने बयान दिया होगा मैंने अभी तक नहीं सुना है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ऐसे वाहिद लीडर जिन्होंने ये कहा कि मैं गुलाम नबी हूँ, जो ये कहेगा जो मैं गुलाम नबी हूँ उसके लिए हम खून देने के लिए तैयार हैं, जो 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 लीडर ऐसा कहेगा, जो लीडर हर एक जगह एक्सेप्टेबल है, आप जम्मू में आएँ तो जम्मू में भी गुलाम नबी आज़ाद साहब को एक्सेप्ट करते हैं, खते चनाब में जाएँ उधर भी एक्सेप्ट करते हैं, कश्मीर में जाएँ लोग दिल से प्यार करते हैं, क्यों? मसला ये कि 50 साल तक वो कांग्रेस से हिले नहीं, जब तक कांग्रेस में गुलाम नबी आज़ाद साहब थे तब तक कांग्रेस में ही थे, कभी पार्टियां नहीं बदली, उसकी क्रेडिबिलिटी है। जब वो 2.5 साल में चीफ मिनिस्टर रहे तो उन्होंने कार्य करके दिखाए, उन्होंने यहाँ पे यात्री निवास बनाए, उन्होंने श्रीनगर में साउथ एशिया का बड़ा बहुत बड़ा ट्यूलिप गार्डन बनवाया, उन्होंने ऐसे हज़ारों प्रोजेक्ट्स कम्प्लीट किए जो किसी ने उतने मुद्दत में नहीं किए, जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 2.5 साल में किए वो किसी ने नहीं किया। एक तो ये है, दूसरी बात ये कि जब दफ़ा 370 को तोड़ा गया, सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब थे जिन्होंने ये कहा है जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, ये वाहिद वो गुलाम नबी आज़ाद साहब है जिन्होंने 4 घंटे धरना दिया ज़मीन पर, कहा कि मैं इस कानून को, इस आपने दफ़ा 370 को तोड़ा, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। वाहिद वहाँ पर और भी पार्लियामेंट मेम्बरान थे हमारे जम्मू कश्मीर से, उन्होंने कितनी बात की, क्या कहा उन्होंने उस पर? तो ये गुलाम नबी आज़ाद साहब की शख्सियत है। जब वो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर रहे तो आप देखेंगे यहाँ पे जितनी भी स्कीम्स आजकल जो देख रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन्हें बेस्ट अवार्ड दिया, क्यों? क्योंकि वो क्रेडिबिलिटी है हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने काम किया है। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब की शख्सियत है, उसको सारे लोग मानते हैं, उसको सब पसंद करते हैं, वो शख्सियत है वाकई। कल आपने देखा होगा उधमपुर में जब राहुल गांधी प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे, वहाँ पे कुछ मीडिया कर्मी जो हैं वो काफ़ी खफा थे उनसे, मतलब क्या कारण थे उसके पीछे? मैं यही तो कह रहा हूँ, ये पहले इनको निकालनी चाहिए थी जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जोड़ो यात्रा, इनको पता भी नहीं बोल क्या रहे हैं, बोलना क्या है और किसके साथ किस तरीके का व्यवहार करना है। आप देखिए यहाँ का जो लोकल मीडिया है जिसमें स्ट्रेट लाइन से एक जो मशहूर है जम्मू कश्मीर में जो पत्रकार है जुनेद हाशमी, वो भी कल नाराज़ थे, कई सारे ऐसे पत्रकार जो थे वो नाराज़ थे, क्यों? क्योंकि उनके साथ भी उन्होंने बदसलूकी की, नहीं करना चाहिए। आप कितने भी बड़े लीडर हो यार, राहुल गांधी है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लीडर है अपने पार्टी के और कांग्रेस को चला रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है, जमहूरियत है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि आप जम्मू कश्मीर में आओगे तो यहाँ के जो लोकल मीडिया है उनको नहीं सुनोगे, उनकी बात नहीं सुनोगे, उनके सवालात नहीं सुनोगे, ये तो अफसोस की बात है। इतने बड़े लीडर के लिए तो शर्म की बात है कि वो जम्मू कश्मीर के ये जो है पत्रकारों को इस तरीके से बेइज्जत कर रहे हैं, मुझे लगता है ये गलत रवैया है उनका, ये नहीं होना चाहिए। जो 9 जनवरी 2023 को एक ऑर्डर निकाला था कमिश्नर सेक्रेटरी के द्वारा कि स्टेट लैंड का अचराई और जो रोशनी लैंड्स हैं उनको रिकवर किया जाए, कैसे देखते हैं? और उसके बाद में जो वर्बल स्टेटमेंट्स आ रही हैं, एलजी साहब ने भी कुछ दिन पहले कह दिया है कि आम लोगों को उससे डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो ड्राइव चलेगी ये बड़े जो लैंड ग्रैबर्स हैं उनके खिलाफ चलेगी, कैसे देखते हैं? ये जालिमाना हुक्मनामा है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इन्होंने स्टेट लैंड के ये जो इन्होंने ऑर्डर्स निकाले हैं कि इनको निकाले, मुझे एक चीज़ सबसे पहले मुझे सरकार एक चीज़ समझाए कि आज तक सरकार को कभी किसी जम्मू कश्मीर के वासी ने, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे ने आपको मना किया अस्पताल बनाने से, कोई सरकारी दफ्तर बनाने से मना किया कहीं पे? आपने सुना हो कहीं पे ऐसा नहीं हुआ। सरकार की ज़मीनें जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है, पहले एक बात। दूसरी बात मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, अगर ये आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं ज़मीन को, क्यों आप लोगों से ज़मीन छीनना चाहते हो? क्यों आपने ऐसे लीडर ये जो ऑर्डर्स निकाले, इसके बदले आप कोई ऐसा ऑर्डर निकालते जिससे लोगों में राहत होती, लोगों का जीना आसान होता, लोगों की ज़िंदगी बदल जाती, लोगों को मुश्किलें आसान होती, तो वो ऑर्डर्स बेहतर ऑर्डर्स थे। जो आप ये ज़ालिमाना हुक्मनामा जारी कर रहे हैं इससे लोग परेशान हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग परेशान, आम लोग परेशान हो रहे हैं, जो बड़े नेता है कहाँ छीनी जा रही है ज़मीनें, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आम लोगों को परेशान नहीं परेशान किया जा रहा है। जिन लोगों ने मिसाल के तौर पर जो गश्तराई ज़मीन है उसमें इस वक्त दरख्त लगे हुए हैं, सरकार कह रही है ग्लेशियर्स ख़त्म हो चुके हैं, माहौलियात जो है उस पर असर पड़ रहा है, पौधों को लगाओ आप, दरख्तों को लगाओ, कह रही है सरकार,
तो दूसरी तरफ से सरकार इस वक्त हजारों और लाखों में दरख्त काट रहे हैं, पौधे काट रहे हैं, ठीक है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये किस किस्म की पॉलिसी है? एक तरफ से आप कह रहे हो कि माहौलियात को बचाओ, माहौलियात को साफ रखो, दूसरी तरीके से आप हजारों और लाखों में दरख्त काट रहे हैं, और आप मुझे बताइए किसने आपको मजबूर किया ये करने पर, क्यों मजबूर हो गए आप? आपकी मुझे लगता है सरकार की कोई मंशा है इसके पीछे, क्यों? ये तो वही बता सकती है ना सरकार। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक बार पूछें, उनके जो मुशीर साहिबान हैं, उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे आप पूछें क्यों आप जम्मू कश्मीर की आवाम को तंग कर रहे हैं? क्या आपने ठेका लिया है तंग करने का जम्मू कश्मीर की आवाम को? क्या जम्मू कश्मीर की आवाम के हुक्मरान आप इसलिए बने हैं कि आप जुल्म करें यहाँ पर लोगों पर? जुल्म ना करें, आप ऐसे ऑर्डर्स पास करें जिससे कोई फ़ायदा हो जम्मू कश्मीर के लोगों का, जिसे कुछ भला हो, रोज़गार के मुतालिक कोई ऑर्डर निकालें, आप डेवलपमेंट के लिए कोई काम करें, आप यहाँ की पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए कोई काम करें, उसको हम सराहना करेंगे। लेकिन आप ऐसे बेतुके ऑर्डर, बेमतलब के ऑर्डर, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता जिन ऑर्डर्स का, आप ऐसे ऑर्डर्स निकाल रहे हैं जिससे जम्मू कश्मीर का लोगों के आम लोगों का जीना हराम हो रहा है। आप मुझे बताइए आपने कौन से बड़े मंत्री, जो आपके बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री हैं यहाँ पे, किससे आपने निकाले, किससे ज़मीन निकाली आपने? कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्री हैं, किससे निकाले आपने? जो और भी पार्टीज़ के बड़े बड़े मंत्री हैं, किन से निकाली आपने ज़मीन? कुछ डीआईपी में भी चले गए होंगे। अगर डीआईपी में किसी का, हाँ, ताज मुहिद्दीन साहब ने खुले डंके के चोर पे कल कहा अगर एक मरला मेरा गाश चराई का होगा तो मैं सियासत नहीं करूँगा, इससे बड़ा क्या क्या चाहिए, कौन सा लैंड? हाँ, वो उन्होंने कहा कि अगर एक मरला स्टेट लैंड मेरे पास होगा तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, मैं सियासत नहीं करूँगा। तो ये हमारे लीडर की क्रेडिबिलिटी है, मैं यही कहूँगा। हाँ, अगर हमारे लीडर के किसी के पास भी अगर कोई गाशराई की ज़मीन है, बताइए कहाँ है। लेकिन पहले आप, सबसे पहले आप रूलिंग पार्टी के लीडर से आप वहाँ से शुरू करें, जो कहते हैं भाई हमारे भी अगर होंगे तो हमारे खिलाफ भी तो निकाले ना, तो निकाले पहले। गरीब लोगों की क्यों निकालनी है ज़मीन? ये कह रहे हैं इसमें बड़े लोग, किस गरीब की निकाली? सभी गरीबों की। आप देखें चाडूरा बड़गाम से जो वीडियो वायरल हुआ, जिस जेसीबी पे, जिस बुलडोज़र पे एक 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 खातून थी, वो कौन थी? वो कोई किसी मिनिस्टर की कोई रिश्तेदार थी? वो किसी मिनिस्टर घर से ताल्लुक रहती वो खातून? नहीं, वो आम घर से थी, और वो उस बुलडोज़र पर चढ़ के कह रही थी कि मेरा दीवार ना तोड़ो, मेरे दुकान का ना तोड़ो, दुकान को ना तोड़ो। दुकान तोड़ना कोई बड़ी बात है? एक दुकान तोड़ रहे हैं आप किसी कहीं जगह पे, तो आप मान रहे हैं कि आपने बड़ा कार्य किया, बड़ा काम किया? क्या, कौन सा काम किया आपने? आपने एक गरीब का अशाना ख़त्म किया, आपने गरीब को सताया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है गरीबों पर रहम करें, आप गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं, आप यहाँ जम्मू कश्मीर के आम लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। मैं कहता हूँ सरकार को, हमारा एक क्लियर स्टैंड है डीएपी का, हम लोगों के हित में बात करना चाहते हैं, लोगों के लिए आए हैं और लोगों के लिए ही काम करेंगे। और हमारी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की तरफ से आपने देखा कि जम्मू में, खते चिनाब में, कश्मीर में इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर धरने कोई पार्टी इसके खिलाफ कर रही है वो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी है। वो गुलाम नबी आज़ाद साहब की जो सरबराही में जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वही सिर्फ इसके खिलाफ इस वक्त धरना दे रहे हैं। बाकी सब लोग, बीजेपी के लोग इसके खिलाफ कुछ बात कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग इसके खिलाफ कुछ बात कर रहे हैं, या बाकी और अन्य पार्टी, कितने पार्टियां हैं यहाँ पे, कौन से लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं? सिर्फ एक वाहिद हमारी पार्टी है जो इस वक्त लीड कर रही है इसके खिलाफ। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? यहाँ पे भी आप देखेंगे काफ़ी सारे लोग जो हैं देख रहे हैं आपको, क्या एक मैसेज रहेगा जम्मू कश्मीर की जनता के लिए? मेरी एक मैसेज रहेगी कि मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में हमें एक लीडरशिप की ज़रूरत है, लीडर्स की ज़रूरत है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, लोग चाहते हैं कि आम लोगों की सरकार हो, लोग चाहते हैं कि गरीबों के लिए कोई बात करे, लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जहां पे अमन हो, भाईचारा हो, जहां पे रोज़गार हो, जहां पे ये जो महंगाई ना हो, जहां पे उनके मुद्दे सुने जाए, जहां पे उनको सुना जाए। मैं उनसे एक ही गुजारिश करना चाहूँगा, इसमें एक ही लीडर सिर्फ खड़ा उतरते हैं, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब है, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में काम किया है, जो कि इंटरनेशनल लीडर है, नेशनल लीडर है, जो कि खते चिनाब में भी जिनको लोग एक्सेप्ट
करते हैं, जम्मू में भी एक्सेप्ट करते हैं, कश्मीर में भी एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे बीजेपी के जो लोग हैं या बीजेपी की जो पार्टी है, वो सिर्फ जम्मू में एक्सेप्टेबल है, कश्मीर में नहीं है, कुतई चिनाब में नहीं है। इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पार्टी है वो सिर्फ कश्मीर में एक्सेप्टेबल है, जम्मू में एक्सेप्टेबल नहीं है, कुतई चिनाब में एक्सेप्टेबल नहीं है। महबूबा जी है, उनकी सिर्फ कश्मीर में जो है एक्सेप्टेबल है, वो यहाँ पे जम्मू में एक्सेप्टेबल नहीं है, वो खते चिनाब में एक्सेप्टेबल नहीं है। सिर्फ वाहिद गुलाम नबी आज़ाद साहब है जो कि हर जगह पे एक्सेप्टेबल है, जिन्होंने दिखाया है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, जिन्होंने 2.5 साल हुकूमत की और दिखाया किस तरीके से जम्मू कश्मीर को तरक्की के दहाने पर हम ले जा सकते हैं, अमन और भाईचारा को कायम कर सकते हैं, अदल और इंसाफ कर सकते हैं, उन्होंने ये उस 2.5 साल में किया है। मैं यही आज आवाम से मेरी मैसेज रहेगी कि नए लोगों को मौका दिया जा रहा है हमारी पार्टी में। आपसे वसात से कहना चाहता हूँ कि नौजवान जो लोग हैं, हमारा पार्टी का क्लियर स्टैंड है 70 से 80% नौजवानों को, नए नौजवानों को, अच्छे लोगों को, साफ सुथरे लोगों को हमारी पार्टी में जगह है। तो सब गुलाम नबी आज़ाद जिसके लिए आप अपील कर रहे हैं आप जनता से, उनके लिए तो ये कहा जाता है कि उनको बीजेपी ने जो है क्रिएट किया है जम्मू कश्मीर में, 50 साल के बाद वो कांग्रेस को धोखा दे करके यहाँ पे अब आम जनता को धोखा देने के लिए। मुझे आप बताइए गुलाम नबी आज़ाद साहब ने सिर्फ एक पार्टी ज्वाइन की है, वो है कांग्रेस पार्टी। 50 साल तक वो कांग्रेस में रहे, हिले नहीं वहाँ से, ठीक है। 50 साल के बाद जब उन्हें मौका था कि वो आराम करें, वो इस वक्त रिटायरमेंट ले और अपने परिवार को देखें, अल्लाह की इबादत करें, बाकी चीज़ें देखें, ठीक है, अपनी ज़िंदगी बाकी ज़िंदगी को ऐशो अशरत से गुजारें। लेकिन आज भी उन्होंने इस्तीफा दिया किस लिए, कि जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पे नहीं रह सकता जहाँ पे लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, जहाँ पे उनके नेता वहाँ के नेताओं को नहीं सुनते, जम्मू कश्मीर के नेताओं को नहीं सुनते हैं, जहाँ पे नेताओं को मुलाकात करने का मौका ना मिले, उस पार्टी में नहीं रह सकता हूँ। मुझे इस वक्त मौका है और यहाँ के लोग जो है दबे हुए हैं, कुचले हुए, यहाँ की आवाज़ ख़त्म हो चुकी है। बाकी जो एलिगेशन लगाते हैं वो उनको लगाने दीजिए, कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ के लोग दिल से प्यार करते हैं गुलाम नबी आज़ाद, मोस्ट लव्ड लीडर है जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद साहब, जिनको लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और जिनको लोग देखना चाहते हैं बहसीयत चीफ मिनिस्टर। एक बार फिर हम इंशाल्लाह हम जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद को बहसीयत चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। सरकार बीजेपी के साथ ही बनानी पड़े? नहीं, सरकार उनके साथ नहीं बनानी पड़ेगी। मुझे पूरा यकीन है जो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, जिस तरीके से अभी पार्टी का पूरा नाम नहीं आया है, अभी हमारा सिंबल भी नहीं आया, जो पार्टी का सिंबल वो भी नहीं आया, इस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं। मैं जानता हूँ, मैं भी सामाजिक कारकुन रहा हूँ 12-13 साल। मैं सिर्फ एक पार्टी मैंने आज तक ज्वाइन की थी, वो कांग्रेस पार्टी थी, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब थे। और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जिस दिन रिज़ाइन किया, उसी दूसरे दिन मैंने रिज़ाइन किया कांग्रेस से। और मैं ये मानता हूँ कि जो अच्छे लोग हैं, जो दयानतदार लोग हैं, जो सीधे साध अच्छे साफ सुथरे लोग हैं, वो ज़रूर और इंशाल्लाह ज़रूर गुलाम नबी आज़ाद साहब को ज्वाइन करें, जरूर गुलाम नबी आज़ाद साहब को मौका देंगे। सरकार इंशाल्लाह हम अपनी बनाएंगे, जम्मू कश्मीर के लोग जो है जिस तरीके से मोहब्बत और वालियाना इस्तकबाल कर रहे हैं हर जगह से गुलाम नबी आज़ाद साहब को, मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह हम अपने दम पे जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने। थैंक यू सो मच। हमारे साथ फिरदोस नबी साहब, स्पोक्स पर्सन DAP, आपकी इस सब पे क्या राय है, अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।